रांची महानगर कांग्रेस बीते 60 दिनों से लगातार जरूरतमंदों को मदद कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची के ऑटो चालकों के बीच राशन का वितरण किया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस भवन में सोशल डिस्टेंसिंग की हवा निकल गई। लॉकडाउन के कारण बंद हुए ऑटो परिचालन से ऑटो चालकों को आ रही कठिनाई को देखते हुए महानगर कांग्रेस ने 200 ऑटो चालकों को राशन उपलब्ध करवाया, जिसका वितरण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इस दौरान उन्होंने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे और उनकी टीम के प्रयास की सराहना की। ते पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा संजय पांडे जी को, जो नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं देखता रहा हूं इस पीरियड में कि जगह जगह दाल भात केंद्र खोल करके, खिचड़ी केंद्र खोल करके और ड्राई राशन भी नगर कांग्रेस की ओर से बांटा गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनके टीम को, पूरे टीम को। और ये हम लोग ये सोच रही है सोनिया जी की, जो अध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सोच रही है उससे के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में महानगर कांग्रेस शुरुआती दौर से ही जरूरतमंदों को लगातार मदद पहुंचा रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने ऑटो चालकों की मदद भी की। इस दौरान कांग्रेस भवन में राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार हो गई, जिस पर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि ऑटो चालक बीते 2 महीनों से मुसीबत में थे और राशन पाने की हड़बड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। निश्चित तौर पर हम आपके बातों से सहमत हैं कि जो लोग दो दो तीन तीन महीना तक अपने धंधे पर नहीं निकले हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है कि वो दो दो तीन तीन महीने तक जमा पूंजी से खाएंगे। तो आज लोग मजबूर हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो टूट जा रहा है, तो ये उनका शौक नहीं, उनकी मजबूरी है। राजधानी के करीब 1 लाख लोगों को विभिन्न माध्यम से मदद पहुंचाई है, लेकिन यह पहला मौका था जब महानगर कांग्रेस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की हवा निकल गई हो। कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।